अरुण जेटली जैसा व्यक्तित्व वाला नेता शायद बहुत कम पैदा होते हैं हिंदुस्तान में। मैं तो उनको छात्र जीवन में जब राजनीति करते थे तब से लेकर के आज जब वित्त मंत्री थे तब तक जानता हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका स्वभाव इतना सरल साधारण था कि जितना बड़ा कुछ नहीं होता। आजकल लोग MP MLA बन जाते हैं तो उनका भाव नहीं मिलता, लेकिन वो वित्त मंत्री भारत सरकार के होने के बावजूद ही उनके अंदर अहंकार नाम की चीज नहीं थी। प्रेरणादायक नेता थे और ऐसी क्षति को हम सभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारी पार्टी के लिए, जेटली साहब के परिवार के लिए और देश के लिए एक अद्वितीय क्षति है। इस शून्य को कोई भी भर नहीं सकता। अरुण जेटली जी का स्वभाव जितना अच्छा था, जितना सरल था, जितना सुबोध था, इतने ऊंचे पद पर होने के बावजूद भी उन्होंने छोटे से छोटे कार्यकर्ता का नाम लेकर उच्चारण किया। उसको छोटे से छोटे कार्यकर्ता की भी इज्जत करते थे और वो हर समय कार्यकर्ता और उसके परिवार के बच्चों के बारे में पूछते रहते थे। जेटली जी के जाने से, उनके स्वर्गवास से हमारी पार्टी को, हमारे देश को बहुत क्षति हुई है, गहरी क्षति हुई है, लोगों में एक सदमा है। जेटली जी हमारे पार्टी के संगठन मदन थे और उनको डेथ होने से हम लोगों को बहुत क्षति हुई है, पार्टी की क्षति हुई है, देश क्षति हुई है। सबसे पहले तो मैं उनको संघर्ष मन अर्पित करता हूँ और हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और वो जब भी हम कभी उनसे मिलने के लिए जाया करते थे उनके कोठी पे, तो इतने सरल स्वभाव से मिलते थे, ऐसा नहीं लगता था कि ये इतने ऊंचे पद पे हैं कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता को एक दो बार मिलने के बाद नाम से बुलाते थे। और इसीलिए मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं उनका व्यक्तिगत रूप से ऋणी हूँ, सदैव। उन्होंने आज से कोई 15 साल पहले मेरे बच्चों की मदद की और हमें एक मकान में एक्सटेंशन मिल गया, तो आज बच्चे जो हैं वो सारे टॉप पोजीशन पे हैं। और उन्होंने उस समय वो मेरे से चार्ज भी नहीं लिया, मेरी मतलब स्थिति को देखते हुए, तो उन्होंने वो जो है फीस भी पहले भी कम रखी थी, फिर देते समय उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आप रखिए, तो मैं उनका सदैव ऋणी। हम लोग कार्यकर्ता हैं, श्री अरुण जेटली जी के जाने से हम सब लोगों को बहुत बड़ा आहत है, परिवार और पार्टी दोनों को। वो एक प्रखर वक्ता थे, जब भी मैं उनकी सारी स्पीचें सुनता था, हम जैसे छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी उनकी सारी बातों को, उनकी बातों को समझ जाते थे, चाहे वो विषय किसी विषय पे भी अपनी बात रखते थे। एक उनकी कमिटमेंट परस्त आदमी थे, वो अगर किसी से कोई बात कहते थे वो करते थे। याद है हमें वो दिन जब पहली बार दिल्ली में तीन निगम बना था, तो एक बड़े नेता के साथ हम लोग वहाँ गए थे कि पूरी दिल्ली को अगर पूर्वांचल समाज के प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा हम विचार करेंगे और तीसरे दिन निर्णय आ गया था कि उसमें वहाँ पूर्वांचल का मेयर बना। तो वो कई कार्यकर्ता, ऐसा कार्यकर्ता निर्माण करते थे वो, और हम सबको बड़े प्रेम से मिलते थे। आज देश को एक विद्वान आदमी देश ने खोया है, बहुत बड़ी क्षति है जो पूर्ति नहीं हो सकती। भगवान उनको सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग देते हुए अपने चरणों में स्थान दे, यही कामना है।